अजमेर ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर फैसला किया जाएगा। इससे पहले 8 मार्च को इस मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, लेकिन सजा का फैसला 18 मार्च तक टाल दिया गया था और 18 मार्च को बचाव पक्ष की दलीलों के बाद कोर्ट ने यह फैसला 22 मार्च तक के लिए टाल दिया था। आपको बता दें कि राजस्थान की अजमेर दरगाह शरीफ में यह ब्लास्ट 11 अक्टूबर 2007 को हुआ था, जिसमें देवेंद्र गुप्ता, भावेश अरविंद भाई पटेल और सुनील जोशी को दोषी पाया गया था, जिसमें सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। स्वामी असीमानंद समेत कई आरोपियों को पहले से ही बरी किया जा चुका है।